एडीजी दावा शेरपा ने सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों एवं जनता को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी है। एडीजी ने कहा कि गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए। इसी क्रम में मंडलायुक्त अमित गुप्ता मंडल वासियों को गणतंत्र दिवस के रूप में हार्दिक बधाई देते हुए सबके सुख समृद्धि तथा बहुमुखी विकास की मंगल कामना की है। आईजी जय नारायण सिंह ने रेंज के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है। ये पर्व हमें हर वर्ष हमारी सामाजिक और हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों दायित्वों का स्मरण दिलाता है। डीएम ने जिला प्रशासन की तरफ से सभी जनपदवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गोरखपुर पुलिस की तरफ से जनपदवासियों को शुभकामनाएं दी और इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से लोगों से पुलिस द्वारा किए जाने वाले चेकिंग में सहयोग करने और संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की सूचना देने की अपील की। इसी क्रम में एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी ने सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और रेल यात्रियों के कुशल मंगलमय यात्रा की कामना की है। इसी क्रम में एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने सभी जनपदवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और ये उम्मीद है कि आपके जीवन में खुशियाँ लाए और आप अच्छे तरह से अपने जीवन में यापन करेंगे। गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से सभी गोरखपुर नगरवासियों, गोरखपुर जनपद के वासियों और गोरखपुर मंडल के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवस के परिप्रेक्ष्य में समस्त पुलिस परिवार की तरफ से जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप सभी गोरखपुर वासियों को पूरे गोरखपुर पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप बढ़ चढ़ करके इस मुख्य समारोह जो कि पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में होना है, इसमें हिस्सा लें। आप सभी आमंत्रित हैं और साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए जो हमारी चेकिंग होती है, जो हमारी जगह जगह पर चेकिंग के साथ साथ जो है सर्विलांस वगैरह हो रही है, उसमें सहयोग दें। इसके लिए भरपूर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन कैमरे से लेकर के सीसीटीवी कैमरे से शादी वर्दी में पुलिस लगाई जा रही है। बाहर से भी अलग तरह की फोर्सेस ला करके हम लोग सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने आसपास ध्यान रखें, अगर कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि या हरकत जानते हैं तो उसे 100 नंबर पर हमें तुरंत बताएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और सभी रेल यात्रियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि उनकी यात्रा बहुत मंगलमय हो। से सारे गोरखपुर वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और समस्त भारत वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।